नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष झा और आप देख रहे हैं एक्टर्स गाइड। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि एक्टर बनने के लिए, एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक्टिंग सीखना कितना ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो आप जाके इस चैनल पे देख सकते हैं, इसके जस्ट पहले का वीडियो है। अब जिन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि एक्टर बनना है, एक्टिंग को ही अपना करियर बनाना है, बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं। एक्टिंग सीखनी कहाँ से है, कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लग जाएगा, और फिर जाके गूगल पे सर्च करते हैं बेस्ट एक्टिंग स्कूल इन इंडिया, बेस्ट एक्टिंग स्कूल इन मुंबई। अब वहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो कुछ और ही होता है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि वो अच्छे नहीं होते, वो भी अच्छे होते हैं या अच्छे नहीं भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आता है रिजल्ट वो गूगल का पेड प्रमोशन होता है। तो जो अच्छे नहीं हैं वो भी वहाँ पे दिख जाएंगे। मेरा मतलब ये नहीं कि वो अच्छे नहीं हैं। खैर, ये अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं ये एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर हम कभी बात करेंगे। जो अच्छे हैं भी उनकी फ़ी इतनी ज़्यादा होती है, 6 महीने का कोर्स 4 लाख फ़ी है, 3 लाख फ़ी है। अब 6 महीने मुंबई में रहना है आपको तो उसके अलग से खर्चे हैं हर महीने, 10-15 जो भी है अकॉर्डिंगली। तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है जो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, हर किसी के लिए पॉसिबल है नहीं। जो पैसे वाले हैं उनके लिए ठीक है, शायद उनके लिए भी ठीक नहीं है। इस पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। बट आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर सीखना है तो कहाँ से सीखना है, जहाँ पे हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो और सिखाया भी अच्छा जाए। तो ऐसे 5 बेस्ट एक्टिंग स्कूल मैंने निकाला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नहीं, ये कोई गवर्नमेंट का डाटा नहीं है, ये मैंने ही निकाला है। तो ये जब आप वीडियो देखोगे पूरा, आप सबके बारे में जानोगे, तो आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं ये सच है। या आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे कोशिश भी की होगी एडमिशन की। तो मैं बताता हूँ आपको 5 बेस्ट एक्टिंग स्कूल के बारे में। तो इसमें जो 5वां नंबर मैंने दिया है उसका नाम है HCRFTA, हिमाचल कल्चरल रिसर्च फोरम एंड थिएटर एकेडमी। नाम थोड़ा बड़ा हो गया ना। इसको हम लोग मंडी ड्रामा स्कूल के नाम से जानते हैं जो कि हिमाचल में है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ड्रामा स्कूल है। 1 साल का यहाँ पे डिप्लोमा कराया जाता है और इस 1 साल में आपको फ़ी कितनी देनी है, 90,000 to 1 lakh ये फ़ी है। और इसमें हॉस्टल भी इंक्लूड है। और ये फ़ी भी आपको एक साथ नहीं देना है, ये आपको 3 इंस्टॉलमेंट में देना है। मुंबई में कहीं एडमिशन लेने आप जाओ तो 6 महीने के लिए 3 लाख 4 लाख फ़ी है और बोलेंगे 50% पहले जमा कर दो। बात करने जाओ तो 20-25 हज़ार पहले बुक करा लो अपना सीट, ऐसा भी होता है दे के अमाउंट, और वो नॉन रिफंडेबल होता है। तो खैर, ये छोड़िए, हम मंडी ड्रामा स्कूल की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये 1 लाख फ़ी लगेगा आपको। और यहाँ पे एडमिशन के लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2, कुछ 20 सीट्स अराउंड होते हैं। तो आप लोगों में से जो चाहें यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। मैं इन सब का लिंक शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, जितने भी स्कूल का नाम मैं बताने जा रहा हूँ या डिटेल्स बताने जा रहा हूँ उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप लोग कुछ और जानना चाहें या नाम आपको ध्यान में ना रहे तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये था 5वां। अब जो 4th नंबर पर मैंने रखा है उसका नाम है सत्यजीत रे, का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो भी जानते हैं उनको पता होगा कि ये अपने टाइम के बहुत ही बड़े डायरेक्टर थे, राइटर थे कोलकाता के। उनके ही नाम पे ये इंस्टीट्यूट है, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, जो कि कोलकाता में है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो इसमें 2 साल का कोर्स होता है और इसमें एडमिशन के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन। इसके बाद इसका टेस्ट होता है, फॉर्म निकलता है इसका ऑनलाइन, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसका टेस्ट होता है,
और उसमें क्वालिफाई कर गए तो फिर इंटरव्यू होता है, तो ये है। और फाइनली एडमिशन होगा आपका, 2 साल का कोर्स है और इसकी फ़ी 2 साल के लिए कुछ 4 लाख है, थोड़ा ज़्यादा है बट स्कूल अच्छा है ये, तो डिज़र्व करता है, यहाँ पे किया जा सकता है, एडमिशन लिया जा सकता है। एक्टिंग के अलावे भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है, डायरेक्शन हो गया, कैमरा, एनिमेशन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं। तो ये था 4th नंबर। अब जो 3rd नंबर पे मैंने रखा है वो है BNA, भारतेंदु नाट्य अकेडमी, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो मैं डिटेल्स बता रहा हूँ। यहाँ पे भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन चाहिए, यहाँ भी एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है यहाँ पे। और कुछ 20 सीट्स यहाँ पे भी होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे फ़ी बहुत ही कम है, कुछ 17,000-18,000 फ़ी है पर ईयर। और इससे बड़ी बात कि 20 में से 12 स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। अब जो 2rd नंबर पे आता है वो है FTII, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में। तो ये FTII और सत्यजीत रे जो मैंने बताया, ये दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, क्राइटेरिया दोनों में सेम है, दोनों में एक्टिंग के अलावे डायरेक्शन, कैमरा, एनिमेशन, एडिटिंग, ये सब सारी चीज़ें बताई जाती है, दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। रिटन टेस्ट होता है दोनों के लिए ही और उसके बाद इंटरव्यू होता है। यहाँ पे कुछ 12 सीट्स होते हैं और हाँ, यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है और यहाँ की भी फ़ी 4 लाख अराउंड है 2 साल के लिए, 1 साल का 2 लाख, 2 साल का 4 लाख, तो ये फ़ी है यहाँ पे। बट बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही अच्छा एक्टिंग स्कूल है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े एक्टर पास आउट हुए हैं। जैसे अगर आप पुराने एक्टरों में चले जाएं तो मिथुन चक्रवर्ती, डैनी, जया भादुड़ी, इधर नए में आप आ जाओ तो राजकुमार राव और भी हैं, बहुत सारे एक्टर हैं जो FTII से पास आउट हैं। तो ये था 2 नंबर पे। अब जो 1 नंबर पे मैंने रखा है वो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसको NSD के नाम से जानते हैं, जो मंडी हाउस दिल्ली में है। हाँ जी, ये टॉप का स्कूल है इंडिया में, बहुत ही अच्छा ड्रामा स्कूल है। जो भी एक्टर बनना चाहते हैं, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरा एडमिशन NSD में हो जाए, लेकिन एडमिशन होता कैसे है, क्या क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे 3 साल का कोर्स होता है, हाँ बाकी जितने जगह मैंने बताए हैं वो 2 साल का कोर्स है, यहाँ पे 3 साल का कोर्स होता है। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और ग्रेजुएशन के साथ साथ थिएटर का एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, मतलब 6 प्ले आप कर चुके हैं ये प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे टेस्ट देंगे, इंटरव्यू देंगे, तब जाके आपका एडमिशन होता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी सबसे अच्छी बात है कि आपको स्कॉलरशिप मिलता है, जितने लोग भी यहाँ पे जाते हैं एडमिशन लेते हैं उन सबको ये टेंशन नहीं लेना है कि पैसे कहाँ से आएंगे, रहना कहाँ है, खाना कहाँ है, सब कुछ फ्री है और ऊपर से आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो ये टॉप 5 जो है ये इंडिया का बेस्ट स्कूल है। अब सवाल ये है कि इनमें सीट्स बहुत कम है, कहीं 12 कहीं 20, एक्टिंग सीखने वाले बहुत सारे हैं, तो जिनका एडमिशन इन जगहों पर ना हुआ हो वो क्या करें, एक्टर उनको भी बनना है, तो पहले तो इन सब जगहों पर ट्राई कर लें। अगर यहाँ पे नहीं होता है तो इसके बाद भी ऑप्शंस हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि अगर यहाँ एडमिशन ना हुआ हो तो क्या किया जाए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आप सबको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही फ़िलहाल के लिए,
और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आप लोग बने रहिए और अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।